अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूँ आयशा सुल्फिकार। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। चारसदा में पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी पर तैनात, पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 6 पुलिस अहलकार और एक बच्चा जहां बहक। शहीद अहलकारों की नमाजें जनाजा अदा कर दी गई। कराची में पोलियो वर्कर्स की हलाकत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज, क्यूमाबाद में सर्च ऑपरेशन, 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर पुलिस की शेलिंग। आसिफा भुट्टो जरदारी की जेरे सदारत कराची में पोलियो के हवाले से इजलास, सिंध में मुहिम तेज करने का फैसला, यूनियन काउंसिल्स और जिले सतह पर पोलियो के मराकज कायम करने की हिदायत। मस्तोंग में खुदकुश हमले में जान बहक अफराद के लवाहिकीन का मैयतें अलमदार रोड पर रखकर धरना, सर्च ऑपरेशन के दौरान मुसल्ला अफराद कलेवी सहलकारों पर हमला, 6 शहीद। शिमाली वजीरिस्तान में फजाइया के हमले में तालिबान कमांडर वली मोहम्मद और इस्मत शाहीन हलाक, वफाकी वजीर राना तंदीर कहते हैं तालिबान से मुजाकरात या ऑपरेशन का फैसला चंद रोज में होगा। बिहारी कराची में कल रात होने वाला पुलिस मुकाबला जाली निकला, हलाक होने वाला जान मोहम्मद 7 दिसंबर से लापता था, गुमशुदगी का मुकदमा खारादर थाने में दर्ज कर लिया गया। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की मुजवजा निजकारी के खिलाफ लाहौर और सखर में वापदा मुलाजमीन का एहतजाज, ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के भी लाहौर और फैसलाबाद में मुजाहरे। और थाईलैंड में ऑपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी, बैंकॉक में मुजाहरीन ने पुलिस हेडक्वार्टर घेरे में ले लिया।